देवघर के नर्स निशा कुमारी की मौत मामले का निष्पक्ष जांच कर दिलाएंगे न्याय, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में उठाएंगे मामला, विधायक प्रदीप यादव ने कही। देवघर जिले के मधुपुर अनुराग मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के नर्स निशा कुमारी की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मृतका निशा कुमारी के परिजनों से मिलने पहुंचे पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि निशा की मौत बहुत ही दुखद है और इसकी जांच के लिए मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। प्रदीप यादव ने आगे कहा कि जिस किसी भी काम में लगते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहन निशा को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाए हैं तो उसे न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी मामले को उठाएंगे। और अनुराग मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल जिसकी लापरवाही से निशा की मौत हुई है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की लापरवाही पहले भी सामने आई है और भविष्य में किसी के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो इसके लिए निष्पक्ष जांच कराने का काम करेंगे। आपको बताते चले कि अनुराग मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल मधुपुर की नर्स निशा कुमारी का ऑपरेशन उसी अस्पताल में हुआ था जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया और इलाज के क्रम में निशा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और जांच की मांग करते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जिस पर देवघर डीसी ने एक जांच टीम का गठन किया। जांच टीम की ओर से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इधर मामले की सूचना के बाद विधायक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। बेहद दुखद है और जिस प्रकार से लापरवाही अस्पताल के प्रबंधन द्वारा बरती गई है, हमें नहीं लगता कि वह लापरवाही माफी योग्य है। हमने पूरी बात गहराई से जानने का प्रयास किया है और मैं प्रयास करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि इस पर लीपापोती ना हो सके और निशा के परिवार को न्याय मिल सके। और मेरा अंतिम दम तक प्रयास होगा। मुझे विश्वास है, जो 30 सालों का मेरे काम करने का सार्वजनिक जीवन का अनुभव रहा है, जिन कामों को अपने हाथ में लिया हूँ उसको अंतिम अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। पहले तो सरकार से बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, मुख्य सचिव से लेकर के हेल्थ सेक्रेटरी तक बात करूँगा, उच्च स्तरीय जाँच हो इसकी और ज़रूरत पड़ी तो फिर विधानसभा में भी इस विषय को लाने का प्रयास करूँगा ताकि यह जो मधुपुर की बेटी हम सबकी बेटी है इसको हम न्याय दे सकें। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने IIBF एग्जाम पास नहीं किया है तो आज ही संपर्क करें CSC एकेडमी मोहनपुर से, जिसका पता है तपोवन रोड अमीलवा देवघर, मोबाइल नंबर 9570973987 या लॉग इन करें www.krishnacomputeracademy.com.in पर।